नमस्कार, मैं आरती सिंह, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत। टंडवा से खबर है, अमन साव गैंग के अपराधियों के घर पर एटीएस ने छापेमारी की है। दो अलग अलग जगहों पर एटीएस ने छापेमारी की है। एटीएस की छापेमारी से कोयलांचल में हड़कंप है। एटीएस की टीम ने कई लोगों से पूछताछ की है। एक साल पहले आम्रपाली कोल परियोजना में गोलीबारी हुई थी। गोलीबारी करने वाले अपराधियों के लिए रेकी करने का आरोप है। एटीएस की छापेमारी, एक साल पहले आम्रपाली कोल परियोजना में गोलीबारी हुई थी और गोलीबारी करने वाले अपराधियों के लिए रेकी करने का आरोप है। अमन साव गैंग के अपराधियों के घर पर एटीएस की छापेमारी हुई है। ये दो अलग अलग जगहों पर एटीएस की रेड पड़ी है। एटीएस की टीम ने कई लोगों से पूछताछ की है। इस सिलसिले में एक साल पहले आम्रपाली कोल परियोजना में फायरिंग हुई थी और इस फायरिंग के लिए ये आरोप है कि इन लोगों ने, जिनके घर छापा पड़ा है, इन लोगों ने रेकी की थी और इसी सिलसिले में ये रेड डाली गई है। बड़ी खबर इस वक्त टंडवा से। सहयोगी शैलेश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शैलेश, एटीएस का छापा पड़ा है अमन साव गिरोह के अपराधियों के घर पर। जी आरती, आपको बता दे, कोयलांचल ने अमन साहू गैंग का एक वर्ष पूर्व में कई घटनाओं को अंजाम देके अपना रंगदारी असूलने के फिराक में जुटी थी, जिस पर टंडवा पुलिस और चतरा पुलिस ने इनके मंसूबों का नाकाम कर दिया। वही एसटीएफ के टीम ने टंडवा थाना क्षेत्र के दो अलग अलग जगहों पर अमन साहू गैंग से जुड़े और रेकिंग करने वाले अपराधियों के घर में छापामारी करके पूरा कोयलांचल में हड़कंप मचा दी है। वही टीम के साथ अन्य लोगों के गाँव में जाके बालीगा गांव और धुंधवा गांव में छापामारी की। छापामारी के दौरान आसपास के लोगों को भी कई ठिकाने के जगह के बारे में जानकारी ली, जिसके बाद फिर टीम ने वापस चल गई। जी आरती, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।